हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है एलईडी स्ट्रिप लाइट वर्सेस रोप लाइट वर्सेस नियॉन लाइट्स, ये तीनों लाइट में क्या डिफरेंस है, पीओपी और कर्व में कौन सी लाइट यूज करनी चाहिए, इंडोर और आउटडोर के लिए कौन सी बेटर होती है, किसकी क्या प्राइस रेंज होगी और क्या बेस्ट होता है कहाँ के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं नियॉन लाइट्स के बारे में, बिकॉज नियॉन लाइट्स के बारे में काफ़ी जनों ने इन्फॉर्मेशन मुझे पूछी थी कि कर्व लाइट में क्या इसको यूज़ कर सकते हैं रोप लाइट की तरह या स्ट्रिप लाइट की तरह, नियॉन लाइट का इफेक्ट कैसे आता है कंपेयर टू एलईडी स्ट्रिप लाइट या रोप लाइट। तो गाइस, नियॉन लाइट आज की तारीख में काफ़ी डिमांडेड प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इसकी रनिंग है और काफ़ी अच्छा चलता है और काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन के ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल है, लाइफ इसकी भी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू स्ट्रिप लाइट एंड रोप लाइट के जैसे। तो गाइस, जैसे अगर आपको नियॉन लाइट आपको घर में लगानी है तो नियॉन लाइट आपको पर मीटर के हिसाब से प्राइस देनी पड़ती है, जितने मीटर की आपको रिक्वायरमेंट है उतने मीटर की नियॉन लाइट्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। 5 मीटर 10 मीटर के पैकेट्स भी आते हैं और 50 मीटर के बंडल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, सारे कलर्स मार्केट में अवेलेबल है। आप देख सकते हो सिंगल दो रेड ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, इवन इसमें मल्टी कलर का भी ऑप्शन है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अलावा गाइस, इसको कनेक्टर कनेक्ट करना पड़ता है या एडाप्टर बोल सकते हो, इसका एक अलग से कॉर्ड आता है जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से इसका कनेक्टर आता है जो आपको कनेक्ट करके इजिली आप ऑन कर सकते हो। और गाइस, इसमें आपको मार्किंग मिलती है कटिंग के लिए, तो जहाँ पे भी मार्किंग है आपको वहीं से कट करना है, सेंटर में से कहीं से भी आप कट मत कीजिए, जहाँ पे भी आपको मार्किंग दिखेगी आपको वहाँ से कट करना है। और नियॉन लाइट्स के अंदर भी जनरली स्ट्रिप लाइट ही आती है, नॉर्मल जो स्ट्रिप लाइट होती है वही नियॉन के अंदर होती है। नियॉन के अंदर आपको जो स्ट्रिप लाइट मिलती है वो एक कवर के अंदर होती है तो उसकी लाइट एकदम इक्वली दिखती है, जैसे स्ट्रिप लाइट में क्या आपको सिंगल सिंगल बल्ब देखने मिलते हैं तो इसके ऊपर कवर फ्लैक्स लगाया गया है तो आप देख सकते हो आपको ये कम्प्लीटली एक जैसी ब्राइटनेस इक्वली मिल रही है सब जगह पे, और कवर होने की वजह से लाइट थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो जाती है, लाइट का जो थ्रो है थोड़ा कम होता है कंपेयर टू रोप लाइट या स्ट्रिप लाइट से। तो आप ये देख सकते हो इसकी लाइट थोड़ी सी कम है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ होता है। गाइस, जनरली इसको कर्व लाइट के लिए यूज़ नहीं करते, पीओपी में इसको आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसकी जो लाइट का थ्रो है उतना स्ट्रांग नहीं है कि कर्व लाइट से बाहर आवे। जनरली इसको डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे भी विजिबल हो, जहाँ से भी दिख सकता है वहाँ पे लगाओगे तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। जैसे आपने काफ़ी क्लब, नाइट क्लब या बार, रेस्टोरेंट या थिएटर वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे जब काफ़ी डार्कनेस होता है और बीच बीच में ऐसी नियॉन एलईडी लाइट का यूज़ किया जाता है जो इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो इसमें जितनी डार्कनेस होगी उसका लाइट का थ्रो अच्छा आता है, क्योंकि ये इतनी ब्राइट नहीं होती कि आपको जब बाकी लाइट हो तो इसका इफेक्ट मिले, सब डार्क होगा तो इसकी लाइट की इफेक्ट काफ़ी अच्छी आती है। तो नियॉन लाइट का यही है कि नियॉन लाइट को आप डेकोरेशन पर्पज़ के लिए कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, इस तरह से आप कहीं पर भी इसका यूज़ कीजिए, इफेक्ट काफ़ी अच्छी आती है और लुक वाइज काफ़ी डिफरेंट लगता है। तो ये है नियॉन लाइट गाइस, तो अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाएगी, अलग अलग कलर में आपको मिल जाएगी। गाइज, अब बात करते हैं हम एलईडी रोप लाइट की। एलईडी रोप लाइट आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको लो ब्राइटनेस से लेके हैवी ब्राइटनेस के ऑप्शंस अवेलेबल है, काफ़ी क्लियर होने की वजह से लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा आता है, काफ़ी ऑप्शंस मार्केट में आज की तारीख में आ चुके हैं। और मीटर के हिसाब से आपको प्राइस देनी पड़ती है, जितने मीटर की आपको रिक्वायरमेंट है उतना मीटर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सिंगल कलर के तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, रेड ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट पिंक, उसके अलावा आपको मल्टी कलर के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप रिमोट पर ऑपरेट कर सकते हो। रोप लाइट में आपको पर मीटर के हिसाब से कटिंग का ऑप्शन मिलता है, 1 मीटर खत्म होने के बाद ही आप कट कर सकते हो। अगर आपको 1.5 मीटर की रिक्वायरमेंट है तो आप रोप लाइट नहीं लगा सकते, 2 मीटर लेके आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो 1 मीटर की वहाँ पे आपको कटिंग का ऑप्शन मिलेगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो जितनी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हो। इसके अलावा गाइज, अगर आप रोप लाइट ब्रांड और नॉन ब्रांड दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स अवेलेबल है, फिलिप्स, पैनासोनिक, विप्रो एंड सिस्का, सारी ब्रांड्स में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। और जो ब्रांड में आप ले रहे हो तो उसमें काफ़ी कंपनीज 1 साल से 2 साल तक की वारंटी देती है, तो उस तरह की अगर आप रोप लाइट ले रहे हो अच्छी क्वालिटी की ब्रांड वाली जिसमें आपको अच्छी वारंटी भी मिल रही है, तो वो रोप लाइट आप पीओपी वगैरह कर्व लाइट में भी लगा सकते हो, इफेक्ट काफ़ी अच्छी आती है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा आता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके, रोप लाइट में भी आप चिपका नहीं सकते, उसके पीछे भी ग्लू नहीं
आता है, तो उसमें भी आपको डबल टेप लेके चिपकाना होगा, बीच बीच में आप क्लियर टेप का यूज़ कीजिए तो स्टिक काफ़ी अच्छी हो जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो जो वारंटी वाली है वो आप यूज़ कीजिए आपके POP कर्व लाइटिंग TV के पीछे, तो वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है और काफ़ी लंबे तक टिकेगी। अगर आप सस्ते के चक्कर में जाओगे तो सस्ती के रेंज में आपको 40 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ के मीटर तक के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट उसमें क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती है। अगर आप 20 से 25 मीटर लगा रहे हो और कहीं से भी एक मीटर भी ख़राब हो गई तो आपको पूरी की पूरी रोप निकाल के फेंक देनी पड़ती है, उसको बीच में से कट करके दूसरा ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप हो सके तो आप अच्छी क्वालिटी की रोप लाइट लीजिए, तो आप कर्व लाइट में भी यूज़ कर सकते हो। कर्व लाइट के लिए ब्रांड होना काफ़ी ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी होना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी लंबी यूज़ होती है, तो जितनी बेटर क्वालिटी लोगे उतना आपके लिए लाइफ अच्छी मिलेगी। और आप रोप लाइट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इंडोर या आउटडोर कहीं पे भी। बेसिकली इसका जो यूज़ होता है आउटडोर के लिए ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा काफ़ी ट्री को डेकोरेट करते हैं तो रोप लाइट का यूज़ किया जाता है, होटल रेस्टोरेंट बार, उसके जो आउटडोर में जितनी भी लाइटिंग होती है वो रोप लाइट से किए जाती है क्योंकि वो वाटरप्रूफ होती है। नियॉन लाइट्स एंड रोप लाइट दोनों वाटरप्रूफ है, आउटडोर के लिए आप आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो। सिर्फ उस जहाँ से भी आप कट करते हो उसको प्रॉपरली टेप कीजिए या प्रॉपरली उसको कवर कीजिए, उसको पानी टच नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों भी प्रोडक्ट आप इंडोर या आउटडोर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं हमारी स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट जो बेसिकली है काफ़ी ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है और बेसिकली ये इंडोर प्रोडक्ट है, घर के अंदर कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी आपको मीटर के प्राइस में मिलेगी, पर मीटर आपको इसकी कॉस्टिंग लगती है। स्ट्रिप लाइट में काफ़ी ज़्यादा लंबी रेंज है, कलर ऑप्शंस काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, बल्ब वाइज भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। कर्व लाइट में कौन सी स्ट्रिप लाइट ज़्यादा बेटर होती है, इसके पहले मैंने इसका वीडियो बनाया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो कौन सी स्ट्रिप लाइट ज़्यादा बेटर होती है कर्व लाइटिंग के लिए। तो गाइस जो स्ट्रिप लाइट होती है वो उसके पीछे अच्छा खासा ग्लू आता है, तो आप उसको चिपका सकते हो, डबल टेप का भी उसके साथ यूज़ कर सकते हो या क्लियर टेप का भी उसके साथ यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे से चिपक के रहती है आपके कर्व लाइटिंग के लिए। और आप कहीं पे भी अगर इंडोर में यूज़ करते हो तो काफ़ी बेटर ऑप्शंस मिलता है। स्ट्रिप लाइट के लिए एक अलग से एडाप्टर लेना पड़ता है, उसकी भी क्वालिटी आप थोड़ी प्रॉपर लीजिए तो उसके अंदर भी आपको अच्छा ऑप्शंस मिल जाएगा। एडाप्टर काफ़ी इंडियंस आते हैं, 1 साल 2 साल की वारंटीज आती है और दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर लीजिए तो काफ़ी अच्छी चलती है। स्ट्रिप लाइट का बेनिफिट यही है, आप इसको कहीं से भी कट कर सकते हो, हर 3 बल्ब के बाद इसके अंदर कटिंग का ऑप्शंस मिलता है, तो अगर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी स्ट्रिप यूज़ कर सकते हो, बाकी कट करके आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। स्ट्रिप लाइट में भी सिंगल कलर के ऑप्शंस रेड ग्रीन ब्लू येलो वाइट तो मिल ही जाते हैं, मल्टी कलर के भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो गाइस स्ट्रिप लाइट का जो बेसिक यूज़ होता है इंडोर के लिए ही होता है। मेरा सजेशन है अगर आप कर्व के लिए यूज़ कर रहे हो, कर्व लाइटिंग या POP लाइट्स के लिए या सीलिंग के लिए घर में कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो सके उतनी स्ट्रिप लाइट का यूज़ कीजिए। स्ट्रिप लाइट की लाइफ जो है वो आपको रोप लाइट और नियॉन लाइट से ज़्यादा मिलेगी, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस उसमें मिलते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वारंटी वाली अवेलेबल है, विदाउट वारंटी वाली भी अवेलेबल है। तो मेरा सजेशन यही है इंडोर के लिए कहीं पे भी यूज़ करो तो स्ट्रिप लाइट का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मिलती है, काफ़ी अच्छा थ्रो मिलता है और काफ़ी अच्छी आपको इफेक्ट मिलेगी गाइस, तो स्ट्रिप लाइट का यूज़ कीजिए। अब मैं आपको तीनों की प्राइस डिफरेंस बता देता हूँ, तीनों में क्या प्राइस डिफरेंस अवेलेबल है गाइस। आप नियॉन लाइट या रोप लाइट लेने जा रहे हो तो आपको 80 रुपीज़ से लेकर 150 रुपीज़ के ऑप्शंस मिलते हैं, ये बीच में आप कोई भी आप क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो। 80 रुपीज़ से लेकर 150 रुपीज़ के इसके सिंगल कलर के ऑप्शंस अवेलेबल है। वही जगह पे अगर आप मल्टी कलर ऑप्शंस लेने जा रहे हो तो 120 से लेकर 200 तक के ऑप्शंस अवेलेबल है, पर मीटर की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। तो रोप लाइट और नियॉन लाइट की प्राइस अप्रॉक्सीमेट नियर बाई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट प्राइस रेंज लिटिल बिट सेम है। अगर उसी जगह पे आप स्ट्रिप लाइट लेने जा रहे हो तो गाइज आपको 60 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक की लंबी रेंज अवेलेबल है, उसमें बल्ब की क्वांटिटी पे भी डिपेंड्स है और स्ट्रिप की क्वालिटी पे भी डिपेंड्स है। और उसके बाद उसमें आपको तीनों में अलग से एडप्टर या ड्राइवर लेने पड़ते हैं, कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप घर में कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो हो सके उतनी स्ट्रिप लाइट यूज़ कीजिए। डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करें ओपनली तो नियॉन का यूज़ कीजिए, जो विजिबल होने वाली दिखने वाली है वहाँ पे नियॉन लाइट यूज़ कीजिए। आउटडोर में अगर कहीं पे अगर आपको लगाना है जहाँ पे ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो रोप लगाइए, ब्राइटनेस की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है तो नियॉन लगाइए। और स्ट्रिप लाइट का घर में आप यूज़ कीजिए, आउटडोर में ज़्यादा यूज़ मत कीजिए,
क्योंकि वो कम्प्लीटली इनडोर लाइट्स है। तो ये थी तीनों प्रोडक्ट की प्राइस रेंज डिफरेंस, कहाँ यूज होती है और क्या बेस्ट है कहाँ के लिए। तो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा। तो गाइज ये थी आज के प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट लगता है तो मेल या कमेंट कीजिए, मैं सारे आपको रिप्लाई करूँगा। चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो खुश रहे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।